तो इस हफ्ते एमएक्स पे एक नया जानी ड्रामा रिलीज किया है जिसका नाम है चेजिंग बॉल। बेसिकली ड्रामा स्पोर्ट रोमांस लाइफ पे बेस्ड है और आज हम इसी ड्रामा के बारे में बात करेंगे कि ये ड्रामा कैसा है और आपको क्या सारी चीजें इस ड्रामा के अंदर देखने मिलेंगी, आपको ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मान्टी कार्ज में। तो मैं फिर से हाजिर हो चुका एक नए वीडियो के साथ। तो जैसे कि मैंने बताया आपको इस ड्रामे के अंदर मैं बात करने वाला हूँ चेजिंग बॉल चाइनीज ड्रामे के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करनी, शेयर करनी है और हमारे चैनल में पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अगर बात कीजिए इस ड्रामे के बेसिक्स के बारे में तो ड्रामे को 7.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। ड्रामा कॉमेडी रोमांस यूथ स्पोर्ट लाइफ पे बेस्ड है जिसके अंदर आपको टोटल 36 एपिसोड देखने मिलते हैं जिसमें से 20 एपिसोड को हिंदी में डब करके प्रोवाइड कर दी गई है एमएक्स प्ले पे और बाकी के जो एपिसोड है आपको वीकली टर्म पे देखने को मिल जाएंगे। इस ड्रामे के अंदर स्टोरी हमें देखने को मिल जाता है यंग सियाओशी की, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है और उसका पिता भी टेबल टेनिस प्लेयर था और वो उसी कॉलेज में दाखिला लेती है जिस कॉलेज में उसका पिता पढ़ता था। 20 साल पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसके वजह से उसके पिता को वहां से यानी कि उस कॉलेज से निकाल दिया जाता है। अब क्यों निकाला जाता है, क्या सारी चीजें होती है, इन सभी चीजों को जानने के लिए यंग सियाओशी उसी कॉलेज में अपना दाखिला कराती है ताकि उन सब चीजों के बारे में जान सके। अब उस कॉलेज में जाने के बाद वो जिनहाओ के करीब जाती है जो कि टेबल टेनिस प्लेयर और साथ ही साथ उसका जो फैमिली कहीं ना कहीं सियाओशी के पिता के केस से इन्वॉल्व है, इस वजह से वो उसके करीब जाती है ताकि हर एक चीज अच्छे से वो पता लगा सके। इन्हीं दौरान उन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो अब आगे क्या सारी चीजें होगी, जिनहाओ को जब पता लगेगा कि वो मेरे साथ ये सब चीजें जानने के लिए मेरे करीब आई थी और क्या सियाओशी उस सच को पता लगा पाती है नहीं लगा पाती है, क्या सारी चीजें होती है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस टाइम को देखना पड़ता है। तो अब अगर बात कीजिए इस ड्रामे के डबिंग के बारे में तो ड्रामे की जो डबिंग है वो ठीक ठाक करी गई है, परफेक्ट नहीं कह सकते और खराब इसको नहीं कह सकते, ठीक ठाक करी गई है। अगर बात कीजिए ड्रामे में कैरेक्टर डेवलपमेंट की तो वो बहुत ही अच्छी है, स्टोरी प्रेजेंटेशन अच्छा है। ड्रामे की जो स्टोरी है उतना ज्यादा आपको कनेक्ट नहीं करता क्योंकि बीच में जाकर के ड्रामा थोड़ा सा आपको मतलब अप एंड डाउन होता हुआ दिखाई देता है। अब आगे क्या होगी ये मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक हमने इसके 20 ही एपिसोड देखी। लेकिन ड्रामा के अंदर जो लव ट्रायंगल देखने को मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं मल्टीपल रोमांस आपको देखने को मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पे मल्टीपल स्टार कास्ट देखने को मिलती है तो सभी की अलग अलग एक अपनी लव स्टोरी देखने को मिलती है, सभी की अलग अलग एक अपनी लाइफ स्टोरी देखने को मिल जाती है, वो सारी चीज़ें आपको ड्रामे से कनेक्ट करती है। ड्रामा काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग भी है, कई सारे ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल करता है और आपको मतलब थोड़ा बहुत रुला भी देते। ड्रामे की बीजीएम ठीक ठाक है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और साथ ही इसकी कॉमिक टाइमिंग मुझे अच्छी लगी, जिस तरह से इन दोनों की जो नोकझोंक होती है, यहाँ पे सभी की नोकझोंक होती है, जो भी इसमें मतलब स्टार है उन सभी की नोकझोंक जो होती है वो वाली एंगल आपको पसंद आएगी। ड्रामे के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पसंद नहीं आएगी, अगर आप उसको स्किप करो या फिर आप उसको इग्नोर करके चलो तो ड्रामा आपको अच्छा लगेगा। जिंगहाओ की जो फैमिली है उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसके वजह से बोलो उनकी जो फैमिली पूरी बिखरी पड़ी है, साथ ही साथ जो दो भाई दिखाई देंगे इसके अंदर उसके पिता के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसके वजह से उसके पिता हॉस्पिटलाइज है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के जो मतलब एक मिस्ट्री एक सस्पेंस क्रिएट करा गया है वो सारी चीजें आपको ड्रामे के अंदर जोड़ के रखती है और ये कहीं ना कहीं आपको ड्रामे से मतलब कनेक्ट करती है। ड्रामा कहीं कहीं पे अनबैलेंस हो जाती है लेकिन इसकी स्टोरी के वजह से आप अच्छा और इन्वेस्टेड फील करते हो ड्रामा के अंदर और ये ड्रामा अच्छा बना है। तो अगर आपको स्पोर्ट लाइफ पे ड्रामे देखना पसंद है जिसमें लाइफ से रिलेटेड स्टोरी हो, लव ट्रायंगल देखने को मिल जाए, कॉमेडी देखने को मिल जाए, अच्छी खासी रोमांस देखने को मिल जाए तो डेफिनेटली आपको इस ड्रामे को देखना चाहिए। और ये जो ड्रामा है एमएक्स प्ले पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, इनके सभी तक आपने इसको देखना स्टार्ट नहीं किया तो आप जाकर के इसको देख सकते हो। अगर आप देख रहे हो तो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल पर पहली दफा आए और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप हमेशा आपको इसी तरह ड्रामे से रिलेटेड वीडियो देखने को